सर्दियों में अगर सुबह शाम चाय के साथ पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। इस ठंड के मौसम में हम अक्सर पकोड़े बनाते रहते हैं, तो आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े कम समय में बनकर के तैयार हो जाते हैं और ये जितने टेस्टी होते हैं उतने ही हेल्दी भी हैं, और ये जितने ऊपर से क्रिस्पी हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स मिलकर बनाते हैं विंटर स्पेशल पालक के पकौड़े। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये 300 से 400 ग्राम के लगभग पालक लिया है। ये बिल्कुल मैंने छोटी पत्ती वाला पालक लिया है। कोशिश कीजिएगा कि पालक के पकोड़े बनाते हैं ना तो छोटी पत्तियों वाले ही पालक लेना चाहिए, इसके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसके मैंने डंखल हटा दिए हैं, इस तरह से सॉफ्ट डंखल हो तो कोई बात नहीं, पकोड़ों में अच्छे लगते हैं ये। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है पानी से, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह काफ़ी आती है, इसलिए हमें धोने के बाद मैंने इसको स्टेनर में रख दिया था। अब हम इसको है ना रफली कट कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे हम इसको। इस तरह से हम इसको रफली कट करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं कट करेंगे, ये देखिएगा ऐसे। इससे ज़्यादा बारीक हमें इसको नहीं काटना है। सर्दियों के मौसम में पकौड़े खाना सभी को पसंद है, चाहे वो आलू के हों, पालक के हों या गोभी के हों, पकौड़े तो सभी के टेस्टी लगते हैं। तो आज हम पालक से बनाएंगे, पालक और प्याज से पकौड़े बनाएंगे हम आज। फ्रेंड्स पालक आप छोटी पत्तियों वाला ही लेना, उसी से टेस्टी पकौड़े बनते हैं। इससे बनने को तो बड़ी पत्ती से ही बन जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट इस पालक से आएगा ना छोटी पत्ती वाले पालक से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए इसको तो अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर 2 कप बेसन ले लेंगे, ये दूसरा कप हो गया। बेसन फ्रेंड्स आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बेसन लेंगे ना तो सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा इन पकौड़ों में। बेसन हम इतना ही लेंगे कि ग्राइंड हो जाए हमारे पकौड़े, इससे ज़्यादा हम बेसन नहीं लेंगे। अब फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। ये 1 मैंने आलू लिया है, इसको इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में कट किया है, ये डाल देंगे। 1 आलू से ज़्यादा नहीं डालना है, आलू से पालक के पकौड़ों का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ हम 1 ही आलू डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इसको डाल देंगे, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट किया है। पकौड़ों के अंदर हरी मिर्च की खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने ये 3 हरी मिर्च लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे अब इसके अंदर। ये 2 चम्मच साबुत धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये डाल देंगे। धनिया से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इनसे। तो फ्रेंड्स धनिया की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही डालना। 1 चम्मच काली मिर्च है, इसको भी मैंने दरदरा सा कर लिया है, ये डाल देंगे अब इसके अंदर। 1 चम्मच अजवाइन की है, अजवाइन के बिना तो पकौड़ों का टेस्ट अधूरा ही है, इसको भी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। 2 पिंच हम हींग डाल देंगे इसके अंदर। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं इसके अंदर, यानी कि चिली फ्लेक्स। 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स पालक में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक को ध्यान से डालना। बेसन में इन सबको मिला लेते हैं ऐसे। अब हम पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। पालक हम बाद में मिक्स करेंगे इसके अंदर, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि पालक में भी पानी होता है, थोड़ा गाढ़ा ही बैटर रखेंगे इसका। अब ये जो हमने पालक रखा था ना काट के, ये मिला देते हैं इसके अंदर। हल्के हाथों से मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैटर तैयार हो चुका है। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 2 चम्मच हम इस तरह से गरम तेल डाल देंगे इसके अंदर, ये देखिएगा ऐसे। गरम तेल डालने से पकोड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। ये लीजिए हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसको रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पालक से काफ़ी मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, इसलिए हम इसके अब पकौड़े निकाल लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, चलिए अब हम इस तरह से पकौड़े निकाल लेंगे इसके। पकौड़ों की साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बड़े या फिर छोटे जैसे आपको पसंद हो वैसे। अब हम इनको इस तरह से पलट लेंगे ऐसे,
गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इनको हम इस तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिएगा ऐसे, ये लीजिए पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस हम इनका इतना ही डार्क कलर करेंगे, देखिएगा। अब हम इनको ऐसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरा बेच भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। आप चाहें तो फ्रेंड्स बैटर के अंदर बेकिंग सोडा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे ये पकौड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसको भी अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं ऐसे ही। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पालक के पकौड़े बन करके तैयार हैं। तो आप इस तरह से पालक के पकौड़े बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे। वैसे भी बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको इस तरह से पकौड़े बना करके पालक खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इन पकौड़ों के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, जिससे और ज़्यादा ये चटपटे हो जाएंगे। तो आप इस तरह से सर्दियों में सुबह शाम चाय के साथ ऐसे पालक के पकौड़े बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। चाय के साथ या फिर हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे पालक के पकौड़े बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।